दोस्तों मी A1 फोन में हमें आइकॉन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता था होम स्क्रीन के सेटिंग्स में, जैसे कि हम यहाँ पर टच करके रखते थे और ये जो होम सेटिंग है यहाँ पर हमें आइकॉन शेप चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता था। लेकिन ये जो मी A3 डिवाइस है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आइकॉन शेप चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। हम जो है ये आइकॉन चेंज करने के लिए कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मी A3 के आप आइकॉन शेप को कैसे चेंज कर सकते हो। होम स्क्रीन पर टच करके रखिए, होम सेटिंग में जाइए, आपको यहाँ पर आइकॉन शेप चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो उस ऑप्शन को हमें इनेबल करना होता है। कैसे इनेबल करना है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होगा, जिसके लिए बिल्ड नंबर पर आपको 7 बार टच करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं 7 बार। 7 बार क्लिक करने के बाद ये आपके पास पिन लॉक, जो अगर पिन लॉक या पैटर्न लॉक होगा वो मांगेगा, तो मैं इसे जो है नंबर डाल देता हूँ और ये जो है डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर ऑन हो जाता है। डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद आपको सिंपली बैक जाना है, होम स्क्रीन पर टच करके रखना है और होम सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नया ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा चेंज आइकॉन शेप का, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको ये जो है यहाँ पर आइकॉन शेप नज़र आएंगे। आप जो चाहे वो आइकॉन शेप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर अब लिया है समझो टीयर ड्रॉप का, तो ये जो अप्लाई हो जाएंगे ये आइकॉन शेप आप देख सकते हो ये चेंज हो चुके हैं। पूरे के पूरे आइकॉन्स जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। अगर आपको फिर से ये शेप चेंज करना है फिर से आप होम स्क्रीन पर टच करके रखिए, होम सेटिंग्स में जाइए, चेंज आइकॉन शेप पर जाइए और जो चाहिए वो आइकॉन आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं यहां पर ये दूसरे आइकॉन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि आइकॉन शेप जो पहले सर्कल थे अब ये चेंज हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये जो ऑप्शन है आइकॉन शेप चेंज करने का इनेबल करना पड़ता है मी A3 डिवाइस में। तो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से आप जो है मी A3 के आइकॉन जो है शेप चेंज कर सकते हो। आइकॉन शेप चेंज करने के बाद आप चाहे तो डेवलपर ऑप्शन को ऑफ भी कर सकते हो, आपके आइकॉन शेप जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, फिर से चेंज डिफॉल्ट पर नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप आइकॉन शेप मी A3 में चेंज कर सकते हो विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यानी किसी और लॉन्चर की बिना मदद से आप आइकॉन शेप जो है मी A3 में चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।